नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना वैश्विक महामारी ने हजारीबाग जिला अंतर्गत दारू प्रखंड के पेटो गांव में एक ही परिवार के 6 लोगों की जान ले ली है। इसमें एक ही घर से 14 दिन के अंदर पति पत्नी और पिता समेत 3 अर्थियां निकली हैं। इस घटना के बाद परिवार के अन्य सदस्य टूट से गए हैं। वहीं पूरे गांव में मातम पसरा है। ये घटना हजारीबाग जिले के दारू प्रखंड स्थित हरली पंचायत के पेटो गांव की है। 19 मई की रात पेटो निवासी सह बड़वार स्कूल के प्रधान अध्यापक नंदकिशोर कुशवाहा 52 वर्ष की मौत कोरोना से हो गई। इससे पूर्व इनकी पत्नी सह आंगनबाड़ी सेविका मंजू देवी की मौत 6 मई को और उनके पिता हरदू महतो की मौत 13 मई को हो गई थी। अभी पिता का क्रियाक्रम खत्म भी नहीं हुआ था कि पुत्र की भी मौत हो गई। मृतक शिक्षक की एक और पुत्री का इलाज चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक शिक्षक के साहड़ू और उनके भाई की मौत हो गई थी, जहां उनकी सास सिलवार निवासी श्राद्ध क्रम में शामिल हुए और संक्रमित होने के बाद बीमार पड़ गईं। मृतक मंजू देवी अपनी माँ की देखभाल करने मायके चली गईं, जहाँ इलाज के दौरान उसकी माँ का देहांत हो गया। इस बीच मंजू देवी और उनके पिता खुद संक्रमित हो गए। इलाज के लिए परिजन उन्हें बोकारो ले गए, जहां मंजू देवी की मौत इलाज के दौरान हो गई। एक ही परिवार में इस तरह के हादसे होने से परिवार की खुशियां छीन ली गई हैं। एक ही परिवार के 6 लोग की मौत से प्रखंड क्षेत्र के लोग काफी दहशत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।